सबसे पहले भाई लोग उन 7 लोगों को सॉरी जो मेरी वीडियो एक डाली थी जिसमें मेरा वॉइस ही नहीं था, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, कोई इशू वगैरह उसमें वॉइस नहीं गया होगा, तो जो वीडियो देख के टाइम मैंने कि वेस्ट कर लिया एक तरह से, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को सॉरी। तो अब इंट्रो की बात करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ऑल इंडियन गेम फैक्ट टेक में और हम लोग देख रहे हैं ऑल इंडियन गेम फैक्ट टेक और हम लोग बताने वाले हैं क्या बताने वाले हैं लाइक सब्सक्राइब के बारे में। भाई चुप, तू हमेशा लाइक सब्सक्राइब बारे में सोचते रहता है, रुक जा। मैं बताने वाला था भाई लोग कस्टम कैसे बनाया जाए, एक परफेक्ट कस्टम की बात करने वाला था जो मेनली एचपी डिपेंड ना हो। आप अक्सर देखते हैं कि खेलते टाइम आपको एचपी डिपेंड होने का सामना करना पड़ता है, मतलब जिसका एचपी ज़्यादा वो जीत जाता है, जिसका एचपी कम है वो अक्सर मर जाता है। तो आज उसी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं और एक तरह से हम बताने वाले हैं कि कस्टम आप लोगों को कैसे बनाया जाए। तो नॉर्मली आप लोगों का पासवर्ड जो आपका मन करता है, वैसे मैं हमेशा 6789 डालता हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप भी है, आप यहाँ पर पौतगिरी, अल्पाइन, देखो कालाहाड़ी, ये सब मैप है, जो चाहो वो मैप में आप लोग खेल सकते हैं। लोड नहीं करूँगा ये सब मैप पे, छोड़ो बताए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये अल्पाइन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है यार, ये थोड़ा अलग लगेगा, इसमें कभी खेल के देखना। और चलो अब इसे थोड़ा दूर हटते हैं, हम लोग आते हैं अब यहाँ पर टीम मोड में। तो टीम मोड में आप 6v6 कर सकते हैं, यानी कि 6v6 में चाहे तो मतलब आप 3 उधर 6 ऐसा कर सकते हैं। और वैसे स्क्वाड ही अक्सर है और ये है स्पेक्टर्स, स्पेक्टर्स मतलब देखने वाले कि कितना आपको देख सकते हैं, वो अलग से जो कुछ अक्सर स्पेक्टर में हम लोग को डाल दिया जाता है अगर दूसरे कस्टम में घुसे तो। और जो भाई लोग इसे जो गुस्सा आता है ना भाई, उसका क्या ही कहना, छोड़ो उसको भाई, मिनिमम लेवल भी है, मतलब अगर आप कोई ऐसा कस्टम बना रहे हो जिसमें लेवल डिपेंड करता है, यानी कि इंपोर्ट लोग आप नहीं बुलाना चाहते हैं, तो उसमें आप लेवल कर दीजिएगा तो कुछ अच्छे प्लेयर आएंगे और कोई बात नहीं है। आपको गेम में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मोड दिखेंगे, रैंडम मोड, कॉम्पिटिटिव मोड, क्रेजी मोड और मोड नहीं, ये सब स्टोर है। और ये जो हार्ड कोर है वो एक मोड है। तो रैंडम मोड में रैंडम स्टोर है, जो रैंडम स्टोर में होता कुछ नहीं, बस एक कुछ गन्स आती है जो नॉर्मली आप CS एंकर स्टार्ट करते हैं उस समय जो गन्स आती है सेम वही गन्स आती है। और कॉम्पिटिटिव मोड में तो उसे थोड़ा कम गन्स आती है, और क्रेजी स्टोर में तो अलग ही लेवल की गन आती है जिसका मैं अभी पिक दिखा दे रहा हूँ। तो भाई लोग ये रहा हमारा क्रेजी मोड का, भाई देखो ये कितने खतरनाक इसमें गन है, और नीचे में भाई क्या भाई मतलब अलग ही लेवल की गन इसमें मिलती है। और इसके प्रति मतलब इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, एक गन का हर यूज। और ये सब तो हमारे कम्पिटिटिव मोड या फिर जो CS है या फिर बोल सकते हो रैंडम स्टोर, ये सब में उस सब में ये सब मिलता है और कोई खास चीज़ नहीं है। शायद थोड़ा मोटा डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा ही, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो आपको भाई लोग ये जो दिख रहा है रैंडम बफ, मैं आज इसे एकदम स्पेसिफिक है कि आज मैं इसी के लिए एक तरह से बोल रहा हूँ वीडियो बनाने, बाकी बात आप सभी को बनाने आती है, लेकिन अक्सर लोग मैंने देखा है कि लोग इसे चूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रैंडम बफ अगर आप यस करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली कुछ भी आ सकता है, HP मैक्स बूस्टर ये जो है वो आ जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें आपका HP 324 या 25 या फिर 500 कुछ भी कुछ हो जाता है, बस ज़्यादा रहता है। HP कंटेन, यहाँ पे लिखा है कंटेन HP लॉस, इसमें होता है कि आपका HP ऑटोमेटिकली घटे जाएगा चाहे कोई डैमेज दे या नहीं दे। और जो हमारे बीच में आ जाता है कंटेन HP गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो उसे चूज़ करने से आपका ऑटोमेटिकली बोलो तो गेन होते रहेगा। इसे मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो भाई लोग ये देखो, अभी इसने मुझे मारा और ये देखो मेरी HP ऑटोमेटिकली पुश हो रही है और बिना कोई मेडकिट के। तो आप जो बताया था कि ऑन करने से, सिंपली उसे ऑन करने से यही होता है। और इससे एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप 2v4 3v जो भी है वो क्लच आसानी से कर पाओगे, वरना ये सब जो होता है 2v3 इसमें आप HP डिपेंड होना पड़ता है इसमें तो, और ये सब तो आपसे एक तरह से इम्पॉसिबल है, मतलब 2v4 कैसे हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डैमेज दे दे के आपको ख़त्म कर देगा। अपने ओपोनेंट को 4 से 5 सेकंड में अगर मार दिया तो सही है, वरना उसका HP ऑटोमेटिकली फिर फुल हो जाएगी। और मतलब इसमें आपको भी एडवांटेज मिलेगा कि आपकी HP फुल हो जाएगी, ग्लूबाल गिरना और क्या, एक्सीडेंट रुक जाना, HP ऑटोमेटिकली फुल, मेडकिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा है वैसे ये मैं नहीं आप लोग कहेंगे इसे खेलने पर, मज़ा आएगा कभी खेल के देखना इसे। तब तक भाई लोग मैं इसका थोड़ा गेम बजा देता हूँ। ये आया, टेलीपोर्ट कर लिया, बेचारा कंफ्यूज है कि क्या होने वाला, और ये ख़त्म। वैसे आप जो जो शॉर्ट देख के आए वो बोल रहे होंगे अरे तू हमेशा ये वीडियो क्यों चलाता है, तो भाई लोग इसके अलावा मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं है।
मजाक से थोड़ा हटके आप लोग अगेन अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो ये भाई, पहले आप लोग नॉर्मली अगर नॉर्मल बंदे हो तो भी आप नॉर्मल क्या भाई, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग नॉर्मल हो ही नहीं सकते हो। तो देखो इतना तो करने आता ही होगा, राउंड को 13 करना है, डिफॉल्ट कॉइन को ज़्यादा करना, जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा करना, रैंडम बफ जो मैंने बता दिया, EP आप कर सकते हैं, जंप और मूवमेंट स्पीड ये मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। अब ये देखो इन्वायरमेंट कैसे रखना है, नाइट रख दो आराम से, सॉरी नाइट मत रखना, डे रख दो। और यहाँ पर देखो फॉल डैमेज जैसे नो ही रखो हमेशा। जनरेट इनेमी आउटफिट यहाँ पर ऐसे दिया गया है, स्विच ऑन टू कट गया, छोड़ो कोई ना, इसमें है कि आपको जो वो जो उसका जो स्किन होगा, जो कपड़ा होगा वो उसका अच्छा कपड़ा से बोलो तो एक तरह से अच्छे से उसका कपड़ा अपोनेंट का कपड़ा दिखाई देगा। और थर्ड में हमारा फ्रेंडली फायर, ये काफ़ी अच्छा चीज़ नहीं है। फ्रेंडली फायर इसमें ऐसा होता है कि अगर आप ग्रुप में यानी कि डीओ ट्रिपल या फिर स्क्वाड हैं तो इससे होगा क्या कि अगर आप अपने टीममेट को भी मार सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। अच्छा हमको सिखा दिया है। बट भाई लोग मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हूँ कि भाई हाँ डैमेज तो लगता है ये भी मानता हूँ, नॉक भी होता है ये भी मानता हूँ, लेकिन कि मिलता है या नहीं मिलता आज तक साला प्रैक्टिस ही नहीं किए इसका, मतलब नहीं मारे एक बार भी यार, पता नहीं नहीं मारे मतलब नहीं मारे हैं, अब ये मत पूछना क्यों नहीं मारे हैं। तो अब मुद्दे से बिना भटके हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर स्किल तो आप जानते ही हैं कि कैरेक्टर स्किल किसे कहते हैं, डीजे आलोक हो या कैली हो या फिर रोलांडो हो, आप सबकी कैरेक्टर स्किल जानते हैं। तो अब इसे आप नो कर देंगे तो नो हो जाएगा, यस कर देंगे तो यस हो जाएगा। और गन प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब भी आप गन प्रॉपर्टी को नो कीजिएगा तो भी आपका गन का जो कलर है वो दिखाई देगा, बट कलर दिखाई देगा जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, मतलब रेट ऑफ फायर ये सब जो कुछ आपको जो स्किन रहता है वो उसमें मतलब शो नहीं होगा, तो नहीं मतलब एक तरह बोलूँ तो वर्क नहीं करेगा, बस कलर दिखाई देगा और कुछ नहीं होगा। अगर भाई लोग आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट में लिख देना आई डोंट केयर, और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में लिखना यस यस यस। ठीक है भाई लोग, तब तक लिए बाय बाय, तब तक लिए कोई न्यू वीडियो नहीं है, मजाक कर रहा था। तो भाई लोग अगर इस तरह के और वीडियो आपको देखना अच्छी लगती है तो मैं बता देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाते ही मैं जब भी कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो का जो भी है वो आ जाएगा आपके पास। अरे कहना क्या चाहते हो भाई लोग, मैं ये कहना ये चाहता हूँ अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, इसमें क्या जाता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक भी कर ही दो भाई लोग, बस दो बार लाइक मत करना।